चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। पाकिस्तान कब्रिस्तान गाय गोबर, ये यदि डिक्शनरी में तो समाप्त कर दिए जाए शब्द, तो बीजेपी भी समाप्त हो जाए। भाई मोदी हथियार लेकर गए सर जी, वो कहते हैं कि हमने किया, हमने किया, क्या किया? किसानों को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। हम आज बागपत लोकसभा सीट के दहा गांव में हैं। यहाँ के कुछ किसानों से बात करेंगे, क्या है किसानों के मुद्दे और किस तरह से प्रभावित करेंगे वो इस बार के चुनाव को, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास करके। आइए बात करते हैं, किसानों का इस सरकार में कैसा अनुभव रहा है? किसान तो कभी बीजेपी के एजेंडे में आया नहीं है, भाषणों में या जुमलों में तो है, लेकिन वास्तविकता में किसान बीजेपी के एजेंडे में कभी रहा ही नहीं। तो अब किसानों के एजेंडे में बीजेपी भी नहीं। इस झूठे वादे कुछ नहीं किया, मेरठ रैली में बोल के गए थे कि मेरी सरकार आने के 10 दिन के अंदर किसानों का सारा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, जुमलेबाजी। 15 लाख जुमलेबाजी। अब किसानों की बात करें, बीज दोगुने रेट, खाद दोगुने रेट, बिजली दोगुनी महंगी, भुगतान में कितनी दिक्कत हो रही है। भुगतान तो भूल जाओ, ये गन्ना मिल पे डाल दें ये भी शुक्र है, भुगतान में भी देरी हो रही है। साथ में आप कह रहे हैं बिजली के दाम बढ़ गए, यूरिया के दाम बढ़ गए, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने महीने के 6000, साल के 6000 रुपए अब किसानों को हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दे रहे हैं। 6000 में कौन सा काम चल रहा है? ढाई का कट्टा 900 रुपए से सरकार आने के बाद में 1460 रुपए का कर दिया, बिजली के दुगने रेट कर दिए, सही समय पर भुगतान नहीं करते, फसल योगी उजाड़ दी, योगी घूम रहे जंगल में। ये योगी मोदी जो जंगल में घूम रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आजकल मैंने सुना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गाय और सांड का नाम कुछ योगी मोदी हो गया। योगी मोदी है जी, योगी मोदी है जी। मेरी दो बीघा तो सिरसों उजाड़ दी, दो बीघे जय उजाड़ दी, एक तरफा खा दी। ये कौन सा दूध देंगे, इनका दूध पियेंगे ये लोग? हर आदमी खेत में सोए अपने। ये बताइए कि ये गौ रक्षा के नाम पर इतना कुछ हुआ है हमारे मुल्क में पिछले 5 सालों में, हमारे देश में हिंसा भी बहुत हुई है गौ रक्षा के नाम पर, लेकिन आप किसान यहाँ पर जिनका एक गाय भैंस के साथ एक बहुत करीबी रिश्ता रहा है, आप लोग भी क्या इस गौ रक्षा से खुश तो लग नहीं रहे हैं? नहीं, गौ रक्षा करो, इन बिजार रक्षा करके कहाँ ले जाएंगे, ना कहीं रखो है भाई, किसान के जिम्मे क्यों छोड़ दिए हैं? गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, फ्रिज में आधा किलो मीट का पता लग जाता है गाय का मीट है, 2.5 क्विंटल आरडीएस का पता नहीं चला इन्हें कि वो 2.5 क्विंटल आरडीएस कहां से आ गया। जिस तरह से ये 2.5 क्विंटल आरडीएक्स से 250 किलो आरडीएक्स से, जिसके बाद 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे, और उसके बाद मतलब मोदी जी ने पूरा मतलब इस तरह से हल्ला मचाया कि हमने पाकिस्तान के घर में जाकर उन पर बम गिराए, सर्जिकल स्ट्राइक। झूठा बवंडर है, लेकिन मोदी ने क्या किया, हमारे बच्चों ने किया भाई, मोदी हथियार लेकर गए सर्जिकल स्ट्राइक, वो कहते हैं कि हमने किया, हमने किया, क्या किया? किसानों को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। किसान के तो बच्चे जा रहे, किस मंत्री का बच्चा है बताओ, सेना में एक भी बताओ। लेकिन आपके हिसाब से फिर सही मायने में देशभक्त कौन होता है, देशद्रोही कौन होता है? किसानों से ज्यादा देशभक्त कौन है? किसान के बच्चे बॉर्डर पे खड़े हैं और किसान यहाँ खेत में खड़ा है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, किसान पूरे देश की जनता का पेट भरता है, हमसे ज्यादा देशभक्त कौन है? अब हमें सर्टिफिकेट जारी हो रहे देशद्रोहियों के, कारण क्या है कि पहले राजनीतिक विरोध को दुश्मनी नहीं माना जाता था, अब दुश्मनी लेकिन माना जाए। भाजपा के आने के बाद राजनीतिक विरोध दुश्मनी में बदल चुका है। लेकिन ये बांट रहे हैं, ये वोट की राजनीति करते हैं, ये जातिवाद की राजनीति करते हैं, ये धर्म के ठेकेदार हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि ये धर्म के ठेकेदार हैं और जाति के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ एक नतीजा या उसका कुछ ना कुछ एक स्वरूप पिछली बार इस चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, जहां बागपत के सीट से ही, जहां पर मतलब गढ़ माना जाता था रालोद का, तो रालोद यहां पर तीसरे नंबर पर आए, और वो भी चौधरी अजीत सिंह तीसरे नंबर पर आए। वो तो जी मोदी जी की देन थी, तीन मुद्दों पर इनकी सरकार बनी थी, धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, तीनों में इन्होंने किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम नहीं हुआ। फिर हिंदू मुस्लिम इलेक्शन हो गया था, जो हिंदू मुस्लिम चुनाव होगा, इन्होंने दंगा करा दिया मुजफ्फरनगर, फिर तो सब
नहीं, पूंजीवाद की चाल तो थी लोगों को बांटना, जब तक लोग नहीं बटेंगे, जब तक लोग संगठित रहेंगे तो पूंजीवाद के विरुद्ध आंदोलन भी करेंगे, विरोध भी करेंगे, और जब लोग बट जाएंगे तो क्या करेंगे, बताओ? कोई बोल लगा नहीं। तो आपको लग रहा है कि ये दंगा पूंजीवाद की एक चाल? हाँ, इन लोगों की चाल थी, पूंजीवाद की भी चाल थी, बीजेपी की चाल थी। तो ये आपको लग रहा है कि जो मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, जो आप कह रहे थे बिरादरीवाद और इस मतलब पूरी एक इसकी राजनीति चल रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या इसी पर ही भाजपा टिकी हुई, और क्या इस बार भी इसके आधार पर वो फिर से सत्ता में आ पाए? नहीं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा नहीं, फिर नहीं, जी यहाँ नहीं आ पाए, इसमें भिखारी पैदा करने, यहाँ नहीं आ पाए, भिखारी बैठ टंगे, भीतर पुजारी बैठ टंगे, क्योंकि मंदिर पे पाकिस्तान, कब्रिस्तान, गाय, गोबर, ये यदि डिक्शनरी में तो समाप्त कर दिए जाए शब्द, तो बीजेपी भी समाप्त हो जाए, खत्म हो जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के यहाँ पर बड़े ऐतिहासिक यहाँ पर आंदोलन रहे हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन भी 2013 में एक फूट पड़ गई थी उसमें हिंदू मुसलमान के आधार पर। वो चाहे भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में नहीं, किसी और संगठन के नेतृत्व में कुछ भी, लेकिन क्या आपको वो किसानों की एकता और उसके आधार पर एक आंदोलन बनते हुए फिर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज किसान संगठित हुआ है, अब उस किसान को एक समन्वित रूप में संगठित, वो संगठन के रूप में संगठित होने की जरूरत है, वो चाहे भारतीय किसान यूनियन हो या इसके अलावा कोई भी किसानों का संगठन, किसान को जुड़ना पड़ेगा जी, किसान एक रहेगा। और इस सरकार की, भाजपा सरकार की, अब की बार ईंट से ईंट बजा। तो अब आप ये बताइए कि आप लोग राष्ट्रीय लोकदल या फिर यहाँ गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं जयंत चौधरी, आपको इस बार क्या उम्मीद है? जो पिछली बार चौधरी अजीत सिंह के साथ हुआ, क्या उसका इस बार उलट हो पाएगा? उलट होगा जी, गठबंधन के उम्मीदवार जयंत चौधरी सुबह 9 बजे तक जीत जाएंगे। अब इनका खाता भी नहीं खुलेगा, काउंटिंग के दिन किस समय जीतते हैं वो अलग बात है, लेकिन 9 बजे तक उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। किसान इस बार वोट देकर ही खेत जाएगा। जातिवाद नहीं है, किसान को इन लोगों ने जाति जातियों में बांटा है, जबकि किसान किसान है, उसकी कोई बिरादरी नहीं होती आपके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे दर्शक सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से इस बार किसानों ने ठान लिया है कि हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं बटेंगे। यहाँ की जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो साझी विरासत रही है, एक गंगा जमुनी तहजीब जो रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक खाई आ गई थी पिछले चुनाव के वक्त, वो खाई उनका दावा है फिर से भर गई है, और वो साझी विरासत, वो गंगा जमुनी तहजीब आज वापस पश्चिम उत्तर प्रदेश में वापस आ गई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।